नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वाइस। बात जब गांवों की होती है तो हम जानते हैं कि विकास की उसकी पहली कड़ी क्या है। अगर विकास की पहली कड़ी मानी जाती है तो होते हैं ग्राम प्रधान। पंचायती राज व्यवस्था का इसलिए जो है लागू की गई कि जो लोकल लोग हैं यानी जो क्षेत्र के लोग हैं वो समस्याओं को बेहतर जानते हैं। जब समस्याओं को बेहतर जानेंगे तभी जो क्षेत्र की समस्या है उसका बेहतर निराकरण कराएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राम सभा रामापुर है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि अवधेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आने का क्या कारण रहा। विकास हमारे ग्राम सभा में नाली खड़ंजा चकरोट बहुत ही आर्थिक जर्जर स्थित है यहाँ की, और यहाँ विकास के लिए हम जो है कदम रखे हैं प्रधानी का। आपके यहाँ जो है नालियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं थी और जो रास्ते हैं वो आने जाने के लिए जो है बेहतर नहीं हैं। आप इन सब का जो है बेहतर निराकरण कराने के लिए, बेहतर विकास हो इसलिए जो है चुनावी मैदान में आए और आपने जो है जीत हासिल की। जी जी जी। तो इसके बाद हम जानना चाहते हैं पहली प्राथमिकता क्या रहेगा या पहली प्राथमिकता किस काम को देंगे आप? पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा सुचारू रूप से सही चले। प्राइमरी में बाउंड्री वॉल नहीं है, वहाँ गाय गोरू वैसे ही जाके बैठे रहते हैं। पानी, नल का पानी वहाँ दूषित है, वो बालू आ रहा है उस नल में, उसका भी रिबोर करवाना है। और भी जो भी व्यवस्था हो पाएगी हमें सुचारू रूप से ठीक से करना है। जी जी। यानी जो आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी और जो आपके क्षेत्र के युवा हैं, जो आपके क्षेत्र के बच्चे हैं, उन्हें जो है बेहतर शिक्षा मिले। जी जी। तो पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी। जब बात शिक्षा की होती है तो बात जो है बच्चों के स्वास्थ्य की भी आती है। तो आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्या हाल है? आप जो है इन दिनों जो है बारिश का मौसम चल रहा है और ऊपर से कोविड का भी खतरा रहता है, संक्रमण फैलने का, तो आप अपने क्षेत्र में क्या बेहतर करा रहे हैं जो है कि जिससे संक्रमण भी ना फैले और बारिश के दिनों में जो बीमारियाँ फैलती हैं वो बीमारियाँ भी ना फैलें? हम पूरे गाँव में सैनिटाइज करवा चुके हैं, पाउडर छिड़कवा चुके हैं, जितनी भी व्यवस्था हो सकेगी हम सरकार से मांग करेंगे। एक हमें सामुदायिक केंद्र की मांग करेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों का भविष्य जो है उज्ज्वल और स्वस्थ रहे। जी जी। और यही सब विकास हमें पूर्ण तरीके से करना है। जी जी। आपने जिक्र किया जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो आपके यहाँ के जो लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं अपने इलाज के लिए? क्या आपके पास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? अगर है तो वहाँ पे क्या डॉक्टर बैठते हैं, क्या वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं? अब हमारे यहाँ धनपतगंज ब्लॉक पे वहीं लोग बाग जाते हैं। जी। वहाँ जो भी दवाइयाँ हो सकती है डॉक्टर वगैरह देते हैं, निदान हो पाता है ठीक है, नहीं तो जिला जाते हैं। जी जी। हम लोग उनको और भी प्राइवेट लेके भगते हैं, कहने का मतलब कहीं ना कहीं से उनकी रक्षा हो पाती है। जी जी। ये तो आपने बताया कि स्वास्थ्य के बारे में। इसके बाद हम जानना चाहते हैं, सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इन्हें इस योजना के अंतर्गत जो है गांव में रोजगार दिया जाता है। तो क्या मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है आपके क्षेत्र में काम चल रहा है? और काम चल रहा है तो क्या इसमें जो मजदूर हैं क्या वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं? हमारे यहाँ काम इस समय चल रहा है, 4-5 नालियों की सफाई हो गई है, जो कि वो नालियाँ नहर विभाग से जुड़ी हुई हैं खेतों की सिंचाई के लिए। मजदूर बराबर जा रहे हैं और 4-5 नालियाँ लगभग काम पूरा भी हो चुका है। जी। और भी हो रहा है, आज की भी डेट में हमारे यहाँ काम चल रहा है। जी जी। मनरेगा योजना के अंतर्गत देखा जाता है कि जो गांव की सड़कें होती हैं बारिश के मौसम में जो है टूट जाती हैं, उसका निराकरण की रास्ता जो है बेहतर हो, उसकी मरम्मत कराई जाती है। तो क्या आपके यहाँ जो आने जाने की रास्ता है, क्या आपके यहाँ जो ग्राम सभा है आने जाने के लिए रास्ता अच्छी है? अगर अच्छी नहीं है तो क्या आप उसे बेहतर कराएंगे? हमारे यहाँ एक भी रास्ता अच्छी है ही नहीं। सारे रास्ता पे हमें काम करवाना है। बरसाती के सीजन में ही काम मिला हुआ है, फिर भी हम जुटे हुए हैं, इसी बरसात में उसको हम स्वच्छ बना देंगे। जी जी। तो आपके पास जब पद नहीं था तो क्या आप अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कराते थे, लोगों के क्या काम में लगे रहते? जो भी हमारे पास आज तक आया होगा हमारी ग्राम सभा में या अदर भी आया होगा, जिस लायक हम थे उसका निस्वार्थ काम किए हैं,
किसी से कोई डर भय की भावना हमारे अंदर नहीं रहती थी। जी, जी। अगर हम आपसे जानना चाहें, सबसे आखिरी सवाल, आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या बेहतर कराना चाहते हैं, क्या क्या कमियां थीं जब आप इस क्षेत्र में आए, और उसे आप किस तरीके से बेहतर कराएंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी थी बिजली की। घर घर पूर्ण तरीके से बिजली नहीं लगी थी, खंभे ही नहीं थे, तार ही नहीं थे, तो बिजली लगेगी कहाँ से? हम बिना प्रधान के ही ग्राम सभा में कई खंभे लगवाए, कई तार खिंचवाए, कई कनेक्शन करवाए, और उसी में और भी सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि तार हमारे यहाँ बिल्कुल ही जर्जर हैं। और एक जो है लोगों को जो राशन कार्ड, हम राशन की बात करें, तो क्या आपके यहाँ जो है लोगों को राशन मिलता है? और सरकार की एक ही बहुत बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या आपके गांव के लोगों को जो है आवास मिला हुआ है, कि आप जो है अब जनप्रतिनिधि हुए हैं तो लोगों को इस योजना का जो है लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ पिछले साल जब प्रधान कोई और था तो 27-28 कॉलोनियाँ आई थी, जिसमें एक किस्त आई हुई थी 40-40 हज़ार की। हम जब से हुए हैं 70-70 हज़ार की किस्त आ गई, लगभग लगभग सबके जो है छत पड़ चुके हैं। दो चार लोग बाकी हैं, उनकी भी किस्त आने वाली है, उनके भी छत पड़ जाएंगे। और भी कॉलोनियों की मांग हुई है, कॉलोनियाँ आने वाली हैं इसी जुलाई के पहले ही सप्ताह में, लगभग उम्मीद है कि आ जाएगी। निस्वार्थ उनकी कॉलोनियाँ दी जाएगी, और उसके ऊपर भी जो थोड़ा मोड़ा उनका काम नहीं हो पाएगा, हम उसकी मदद जरूर करेंगे, उनका काम जरूर करवाएंगे। जनता का विकास पूर्ण तरीके से हमें करना है, किसी भी हालत में कैसे भी हमें करना है तो करना है। लेकिन मनरेगा योजना के अंतर्गत आपने बताया जो है लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है, और मजदूर जो है उसमें काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं जो आपके क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए हम बेहतरीन चीज़ करेंगे, जैसे हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, उनके लिए न क्रिकेट न वॉलीबॉल किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, उससे उनका उत्साह और कमज़ोर हो गया है। हम इन सब की व्यवस्था करेंगे, और हमारे लायक जो भी वो मदद मांगेंगे, जिस लायक हम रहेंगे उनकी हर मदद संभव करते रहेंगे। ये हम आपको बता दें, जो रामापुर ग्राम सभा है, पंचायत चुनाव के समय जो है इसकी सरगर्मियां बहुत तेज थी, तो प्रधान जी से उसमें संक्षेप में जानना चाहते हैं, यहाँ जो ये जो ग्राम पंचायत है, ये पंचायत चुनाव के समय यहाँ बहुत गर्म माहौल था, कैसा था माहौल? माहौल बहुत ही बुरा था। हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं था, ये सांसदी का चुनाव भी फेल हो गया था, क्योंकि उसमें हमें गोली भी खानी पड़ी थी। हम गलत वोट डालने से मना किए, उसमें हमें गोली भी मारी गई थी। अभियुक्त अभी 307 में जो है बंद भी हैं। फिलहाल जनता निर्णय अच्छा की, जनता का हम सदैव ऋणी रहेंगे कि उसने हमें इस लायक बनाया, सेवा करने का मौका दिया, तो हम सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, ये तो रहे प्रधान प्रतिनिधि अवधेश सिंह जी, जिनसे हमने जाना कि जो गांव के गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें जो है अपना आशियाना देने की बात कही, और मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है लोगों को रोजगार देने की बात कही, और दिया भी जा रहा है, और इन्होंने बताया कि क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो है चुनावी मैदान में आए हैं, तो हमने इनसे खास बातचीत की और जाना कि ये क्षेत्र में क्या बेहतर कराना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहें गांव वाइज के साथ, और गांव वाइज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।